भिंड पंचायत राज व्यवस्था 2014 में चुने हुए ग्राम सरपंचों को वित्तीय अधिकार दिए जाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश सरपंच संघ जिला अध्यक्ष रामेंद्र सिंह रामू और सभी सरपंचों ने आभार जताते हुए अपनी मांगों को लेकर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेन्द्र बरुआ के साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से सरपंचों को पुनः वित्तीय अधिकार देने की मांग की थी। इसमें विशेष रुचि लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष बात रखी थी, जिसको आज प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरा किया। इसके लिए समस्त सरपंच संघ मध्य प्रदेश ने सरकार और मीडिया का आभार जताया। बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह पूर्व में उन्होंने कोरोना काल में जिम्मेदारी निभाई थी, आगे भी वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। सारे सरपंच भाइयों के अंदर बड़ा हर्ष है, बड़ा खुशी है और ऐसे लोकप्रिय चौथी बार के मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई और हमारे ज़िले के सारे राजनेताओं को बधाई देना चाहता हूं। जैसे मैंने अपनी मांग ओपीएस जी राजमंत्री हैं भदौरिया जी, उन्होंने भी हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। दूसरी चीज़ हमारे पाठ पुस्तक निगम के अध्यक्ष मंत्री जी कैबिनेट दर्जा शैलेन्द्र बरुआ जी, उन्होंने भी हमारी बात रखी और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाई। उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और देश अपने प्रदेश के सारे राजनेताओं को बधाई देना चाहता हूं। विशेष बधाई मैं अपने मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे जो भाई हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हमारी बात मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, इसके लिए उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे भाई हैं जैसे चौधरी मुकेश सिंह, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, उन्होंने बड़े भाई बड़े आदर्श हैं उनके, बी डी शर्मा जी बड़ा भाई मानते हैं, वो बी डी शर्मा जी को प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के संगठन की ओर, उन्होंने अपनी बात हमारे संगठन की बी डी शर्मा जी से रखी और बी डी शर्मा जी ने बात हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई। उस पर विशेष आभार और विशेष बधाई, विशेष धन्यवाद।